ओडिशा के बालासोर में 2 जून को बेहद दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जिसका जायजा लेने 3 जून यानी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक के अस्पतालों में घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। वहीं कड़ी धूप के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे, तब उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। पीएम ने एक एक कर सभी चीजों का जायजा लिया, एनडीआरएफ से लेकर महिला पुलिस जवानों से बातचीत की। उस दौरान पीएम मोदी घटनास्थल से मोबाइल फोन पर भी बात करते हुए नजर आए, जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठा कि पीएम ने घटनास्थल से किसे फोन मिलाया। दरअसल पीएम ने फोन पर कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से सीधे बात की। उन्होंने अधिकारियों से लोगों के अच्छे इलाज की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने अधिकारियों को घायलों और उनके परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी कटक के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने डॉक्टर से बात की और हर संभव प्रयास करने की बात कही। घटनास्थल और अस्पतालों का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा, अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ गंवाए हैं। कई लोग ने अपना जीवन खोया है। ये बहुत बड़ा, दर्दनाक और वेदना से परे मन को विचलित करने वाला है। जिन परिवारजनों को चोटें लगी हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं, वो तो वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार के जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के अधिकारियों का, उनके पास जो भी संसाधन थे उससे उन्होंने पूरा सहयोग किया। वहीं उड़ीसा के आम नागरिक का भी पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वहीं पीएम ने घटनास्थल के पास के युवकों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों की मदद करते रहे हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया गया। वहीं रेलवे ने भी रेल ट्रैक को फिर से चालू करने की ओर काम शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द फिर से परिचालन शुरू किया जा सके। द फोर्थ पिलर की टीम इस घटना में मारे गए सभी लोगों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। वहीं जो व्यक्ति घायल हुए हैं इस दुर्घटना में, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।